पोकेमोन। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, कई बार गेम्स खेलते समय, कई बार टीवी पर कार्टून देखते समय और कई प्रोडक्ट्स की एड में भी इसका जिक्र होता रहता। लेकिन किसी को क्या पता था कि 1996 में ये लॉन्च हुई एक फ्रेंचाइज एक दिन दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रोसिंग करती हुई फ्रेंचाइज बन जाए। इस एनिमे की सारी हिस्ट्री आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इन टू द वीडियो। The beginning as a game। तो दोस्तों ये सिलसिला शुरू हुआ था 1980 के दशक में। सातोशी ताजीरी और कैन सुगुमोरी ने एक वीडियो गेम पर, इस वीडियो गेम का नाम रखा गया पॉकेट मॉन्स्टर। इस गेम को एक गेमिंग मैगजीन जिसका नाम गेम्स फ्रीक था उसके ऊपर पब्लिश किया गया। ये गेम फ्रीक नाम की मैगजीन इस गेम के ओनर्स की ही थी। आगे जाकर ये मैगजीन एक गेम डेवलपिंग कंपनी बन गई जो कि पोकेमोन स्टाइल्स गेम बनाती है। तो दोस्तों नाइटेंडो नाम की एक कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे गेम्स बनाए। Nintendo एक ऐसी कंपनी है जो गेम्स भी बनाती है और उन्हें खेलने के लिए कंसोल्स भी बनाती है। और उसके बाद एक क्रिएटर्स नाम की कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने द पोकेमोन कंपनी नाम की एक कंपनी शुरू की। आगे चलकर इस कंपनी का नाम पॉकेट मॉन्स्टर से बदल कर पोकेमोन रख दिया गया। पॉकेट प्लस मॉन्स्टर इज इक्वल टू पोकेमोन, जिसका मतलब था पॉकेट में फिट आ जाने वाले मॉन्स्टर्स। जर्नी एज अ टीवी सीरीज, एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल गेमिंग सीरीज अब एक टीवी सीरीज बनने वाली थी, एक एनिमेटेड टीवी सीरीज। पहली बार 1 अप्रैल 1997 को टीवी टोक्यो पर इसका पहला एपिसोड ब्रॉडकास्ट किया गया। इसके बाद इसके 24 टोटल सीजन और 1202 टोटल एपिसोड्स आए। इसकी पहली बार 1998 को एक एनिमेटेड मूवी भी लॉन्च की जिसका नाम था पोकेमोन द फर्स्ट मूवी, जिसके बाद इसकी टोटल 24 मूवीज आई। बात की जाए तो पहली बार 11 जून 2009 को ये पहली बार इंडिया में लॉन्च किया गया, एयर किया गया, जिसके बाद इंडिया में भी इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। आखिरकार पोकेमोन की दुनिया कैसे बनी? जब इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था तब एक अंडा इस यूनिवर्स में आया जिससे दुनिया के सबसे पहले पोकेमोन आरकेस का जन्म हुआ। आरकेस ने अपने बाद तीन और पोकेमोन्स को जन्म दिया, डियाल्गा, पालकिया और गिराटिना। गिराटिना ने अपना एक अलग डिमेंशन बनाया और वो ये डिमेंशन छोड़कर चला गया। पालकिया को स्पेस और डियाल्गा को टाइम मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। आरकेस ने धरती का निर्माण किया, अर्थ का निर्माण किया, जिस पर उसने तीन पोकेमोन्स को बनाया, अजेल्फ, युगजी और मिसप्रीट। अजेल्फ विल पावर, युगजी नॉलेज और इमोशन के लिए, मैसप्रीट, ये तीनों वहां पर भेजे गए। उसके कुछ समय के बाद अर्थ पर एक पोकेमोन का जन्म हुआ जिसका नाम था म्यू। म्यू के डीएनए से बाकी सारे पोकेमोन्स का जन्म हुआ। म्यू ही था जिसने बाकी सारे पोकेमोन्स को जन्म दिया। नए नए पोकेमोन्स बनते गए और म्यू धीरे धीरे गायब होता गया। उसके बाद ह्यूमंस भी बोर्न हुए। आर्कियस भी अभी गहरी नींद में सो चुका था। ह्यूमंस अब जान चुके थे कि पोकेमोन मास्टर कैसे बनना है। वो अब जान चुके थे कि पोकेमोन्स को कैसे हम लोग कैच कर सकते हैं। उन्होंने पोकेबॉल के अंदर पोकेमोन्स को कैच करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पोकेमोन का जो ये यूनिवर्स पूरी तरह खड़ा हो चुका था। सम फैक्ट्स अबाउट पोकेमोन। दोस्तों जो नाम हम लोग इंडिया में इस सीरीज के कैरेक्टर्स के सुनते हैं वो असलियत में बाद में चेंज क्यों हैं? इनके असली नामों की बात की जाए तो एश कैचम का नाम सातोशी था जो कि इस सीरीज के क्रिएटर सातोशी ताजरी के नाम पर था। मिस्टी का नाम कासुमी था। ब्रोक का नाम टाकेशी था। एश की मॉम डेलिया कैचम का नाम हानुका था। जेसिका, जेम्स और म्योथ का नाम मुसाही, कोजरा और न्योर्थ था। प्रोफेसर सैमुअल योक का नाम ओकीडा हैस्क्वा था। गैरी योक का नाम शिगुरु था। उसके अलावा कई और करैक्टर्स के भी नाम चेंज किए हैं, अगर मैं बताने बैठूं तो एक पूरी वीडियो बन जाएगी। सेकंड फैक्ट, ये फैक्ट रिलेटेड है इस शो के मेकर सातोशी ताजरी से। सातोशी ताजरी को बचपन से इंसेक्ट इकट्ठे करने की आदत थी। वो एक इंसेक्ट लवर थे जिसके कारण उन्होंने दिमाग में एक ऐसा वर्ल्ड आया जिसके अंदर पोकेमोन्स हो।
उनको ऐसी कोई आदत ना होती तो सोचिए दोस्तों हम पोकेमोन जैसी एक ग्रेट एनिमेशन ना देख पाते। दोस्तों कई सारे फैक्ट्स और भी हैं, जैसे कि ऐश की एज कितनी है, पोकेबॉल के अंदर क्या होता है, और भी कई सारे फैक्ट्स हमारे पास हैं, लेकिन इस वीडियो में वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप इसी टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अलविदा। टूंस फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो।